मोमोज खाना हर किसी को बहुत ही पसंद होता है और आज मैंने आपके साथ 3 इजी मेथड मोमोज बनाने की शेयर की है। अगर आप पहली बार भी मोमोज बना रहे हैं तो आपको मोमोज बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपके मोमोज परफेक्ट बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कला और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा, नमक, थोड़ा सा तेल और पानी। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ गाजर, चॉप्ड किया हुआ शिमला मिर्च, स्प्रिंग ऑनियन, ग्रेट किया हुआ लहसुन, आधा कटा हुआ प्याज, 1 कटोरी पत्ता गोभी जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच तेल, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक डो तैयार करूँगी। यहाँ पे हमें सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें इसका डो हार्ड ही लगाना है, तभी जाके हमारे मोमो अच्छे बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इस तरह का डो लगा के तैयार करना है। हमारा डो बन के रेडी है। अब इसे हम ढक के अलग रख देंगे, तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस ऑन करके मैंने एक पैन चढ़ा लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल ऐड करूँगी, साथ ही इसे स्प्रेड कर दें अच्छे से। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसे अच्छे से मिला दें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च और गाजर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पत्ता गोभी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे किसी भी सब्जी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पे। फिर गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी स्प्रिंग्स ऑनियन, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर दूँगी। यहाँ पे मैं अभी नमक नहीं डाल रही हूँ, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। इसे ठंडा होने दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। नमक पहले ना डालें नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर, इसे भी अच्छे से मिला दें। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टफिंग हमारी बनके रेडी है। अब चलते हैं मोमो बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम थोड़ा सा और मल लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा डो रेडी है, स्टफिंग रेडी है। अब चलते हैं मोमो बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा सूखा मैदा, जिससे कि हमें मोमो को बेलने में आसानी हो। इस डो से हम छोटी छोटी लोई तैयार कर लेंगे। ये लोई हमें पानी पूरी के लिए जितनी लोई बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई हमें बना के तैयार करना है। इस तरह का हमारा जो सारा लोई बन के रेडी है। अब चलते हैं इसे बेलने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने एक चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा मैदा लगा लिया है। फिर मैंने यहाँ पे एक लोई को इस तरह से हाथ लेके इस तरह का मैंने पेरा बना लिया। फिर मैं इसे रोल करना शुरू करूंगी। इसे अच्छे से रोल करें, इसे बहुत ही पतला हमें बेल के तैयार करना है, तभी आपके जो मोमो है अच्छे बनेंगे। आप देख सकते हैं हमें इस तरह का इसे बेल के तैयार करना है, बहुत ही पतला। अब मैं यहाँ पे इस रोल में 1 चम्मच स्टफिंग भरूंगी। थोड़ा सा स्टफिंग हम और भरेंगे, इसमें जितना आएगा उतना हम स्टफिंग भरेंगे।
जिससे मोमो हमारा और भी खाने में टेस्टी लगे। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा पानी और इसे हम चारों तरफ इस तरह से पूरी के चारों तरफ लगा देंगे। फिर हम इसे बंद करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों अंगूठे को इस तरह से रखें और फिर एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें इसे मोड़ना है और इस तरह से जैसे हम मोदक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे फोल्ड करके मोड़ना है और लास्ट में इसे इस तरह से बंद करते हुए ऐसे चिपका दें। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखिए हमारा जो मोमो है बनके रेडी है। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। यहाँ पे सेम प्रोसेस से मैंने लोई को इस तरह से रोल कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें भी 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग भरूंगी, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी चारों तरफ इस तरह से लगा लूंगी जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएगा। अब मैं इसे इस तरह से अंगूठे की मदद से इस तरह से मोड़ना शुरू करेंगे, दोनों तरफ से फोल्ड करना शुरू करेंगे इस तरह से, ऐसे इसे आधा ही फोल्ड करें, फिर इस तरह से आधे के बाद हमें इस तरह से इसे चिपका देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दूसरी डिज़ाइन वाला मोमो भी बनके रेडी है। ये बहुत ही इजी मेथड है। फिर हम ये तीसरे डिज़ाइन वाला मोमो बनाएंगे। यहाँ पे हमने फिर से एक पूरी बना लिया है। अब मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी, इस तरह से स्टफिंग को भर दें। फिर ये सबसे इजी मेथड है। इस तरह से हमने चारों तरफ से पानी लगा लिया है, फिर हम इस तरह से दोनों तरफ से इसे बंद करेंगे जैसे कि हम गुजिया बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे बंद करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें बंद करना है। ये सबसे इजी मेथड है, इसे कोई भी बना सकता है। इस तरह से इसे चिपका दे दोनों तरफ से। ये देखिए हमारा तीसरा डिजाइन भी रेडी है। तीनों बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम मेथड से मैंने सारे मोमोज बना के रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी को उबलने के लिए रखा है। पानी हमारा उबल चुका है। मैंने यहाँ पे एक छलनी लिया है, आप चाहे तो स्टेनर भी ले सकते हैं। मैंने उसमें अच्छे से तेल लगा लिया है जिससे कि मोमो हमारा चिपकेगा नहीं। अब मैं इसमें मोमो को इस तरह से रखूँगी, इसे अलग अलग करके रखें, सटा के रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। इस तरह से मैंने सारे मोमोज को स्टैनर पे रख दिया है। अब मैं इसे ढक के 15 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी। इसे 15 मिनट तक हमें पकाना है मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटाऊंगी। ये देखिए हमारा जो मोमो है बहुत ही अच्छी तरह से पक के रेडी हुआ है। क्या आप देख सकते हैं, अब मैं सारे मोमोज को एक प्लेट में निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए हमारा मोमो बनके रेडी है। ये बहुत ही इजी है इसे बनाना। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।